31 मई 2009 एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 ब्राजील इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग रात के 10:30 बजे अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार पेरिस के लिए उड़ान भरती है। उस समय प्लेन में कुल मिलाकर 216 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर समेत कुल 228 यात्री सवार थे। इस जहाज को ब्राजील से पेरिस पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटों का समय लगने वाला था। उड़ान भरने के बाद लगभग 3 घंटे बीत चुके थे और प्लेन अपनी सामान्य गति से बिना किसी बाधा के उड़ भी रहा था। अब क्योंकि उस वक्त रात का समय था, इसलिए सभी यात्री आराम से सो रहे थे और मीठी नींद में अपने ही सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ प्लेन इस समय समुद्र के बीचों बीच उड़ान भर रहा था। अभी वो जहाज समुद्र की दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक उस प्लेन का संपर्क एटीसी से टूट जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अमूमन जब भी कोई प्लेन समुद्र के ऊपर से उड़ता है तो उसका संपर्क एटीसी से टूट जाता है और फिर अपने आप कुछ ही समय बाद किसी और क्षेत्र के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़ जाता है। लंबी हवाई यात्राओं के मामले में तो ये एक सामान्य घटना है, जिसके कारण इस मामले में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन विपत्तियों का असली जाल तो तब आना शुरू हुआ जब आधे घंटे बाद भी प्लेन का संपर्क किसी दूसरे एटीसी से नहीं जुड़ पाया था और फिर जब इस सूचना की अच्छे से तहकीकात की गई तो इसकी पुष्टि 100% सही निकली कि फ्लाइट 447 ने किसी भी एटीसी से पिछले आधे घंटे में कोई भी संपर्क नहीं किया था, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि अब वो जहाज कहीं ना कहीं किसी बड़ी मुसीबत में फंसकर क्रैश हो चुका होगा या अब भी किसी बड़ी मुसीबत में है। इसलिए एटीसी डिपार्टमेंट ने फौरन सारे एक्शन लिए और प्लेन की लास्ट लोकेशन को ट्रेस करके कुछ फाइटर प्लेन्स को उसकी खोजबीन में भेजा। लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद नतीजा दुखद पूर्ण रहा, क्योंकि अगली सुबह तक समुद्र में उस प्लेन के कई टुकड़े तैरते हुए नजर आ रहे थे, जिसका सीधा सा तात्पर्य ये था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। मगर वहाँ पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दुर्घटना हुई तो हुई कैसे, क्योंकि उड़ान के समय जब सारी टेस्टिंग की गई थी तो प्लेन सभी पैरामीटर्स पर खरा उतर रहा था। इसके अलावा प्लेन में ईंधन की भी कोई कमी नहीं थी और इन सब के अलावा जब प्लेन का आखिरी बार किसी एटीसी से संपर्क हुआ था तब उस वक्त पायलट ने भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना या समस्या की कोई भी चेतावनी नहीं दी थी, जिस कारण इस जहाज का डूबना अब एक रहस्य का विषय बन चुका था। जैसे ही ये खबर सार्वजनिक रूप से बाहर आई तो ये खबर आग की तरह फैल गई कि फ्लाइट 447 क्रैश हो चुकी है, जिसके बाद उस पर सवार सभी यात्रियों के घर वालों को अपने परिजनों की चिंता सताने लगी और इसी वजह से वो सभी एयरपोर्ट पर एटीसी से जवाब मांग रहे थे कि आखिर उनके परिजनों के साथ क्या हुआ, क्या वो अब भी सही सलामत हो सकते हैं। लेकिन असमंजस की बात तो ये थी कि उस वक्त एटीसी के पास भी उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन जब एटीसी के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ने लगा तो इस दुर्घटना का पता लगाने और प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन किया गया। स्पेशली ट्रेंड स्कूबा ड्राइवर और कई स्पेशलिस्ट की टीम इस खोजबीन का हिस्सा बनी। लेकिन दुर्भाग्यवश काफी प्रयास और एक लंबी खोजबीन के बाद सिर्फ 50 यात्रियों की ही लाशें बरामद की जा सकी और इसके बाद भी प्लेन का बाकी हिस्सा और ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। 12 महीनों तक निरंतर अथक प्रयास के बाद अंततः रिसर्च टीम ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन इस घटना के लगभग 3 साल बाद यानी 3 अप्रैल 2011 के दिन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक सर्च टीम का गठन करती है, जिसका काम किसी भी तरह से प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकालना था। इसलिए इस टीम के लिए अब ये केस एक चुनौती बन चुका था, जिसे किसी भी कीमत पर उन्हें सोल्व करना ही था। इसी वजह से इस टीम ने अपनी कड़ी मेहनत और योग्यता से मात्र 30 दिनों के अंदर ही इस विमान के ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था जितना आपको सुनने में लग रहा है, क्योंकि इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए इस टीम को अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना पड़ा था। जैसे इस मिशन के लिए उन्होंने पानी के अंदर कुछ ऐसे अंडरवाटर व्हीकल्स भेजे जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक थे और पानी के बाहर से उन्हें रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जा सकता था। इन सभी जलमग्न यानों की खासियत ये थी कि इन यानों में लगे हुए यंत्र से समुद्र की सतह को स्कैन करके उसका नक्शा तैयार कर सकते थे। इस तरह आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खोजबीन करते हुए उन्हें जहाज का एक बड़ा हिस्सा मिल चुका था, जिसमें से उन्हें कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर भी मिला और जैसे ही उस वॉइस रिकॉर्डर में कैद आवाजों को सुना गया तो हर शख्स के सामने सारी तस्वीरें साफ हो गई। दरअसल ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ये पता चला कि जिस वक्त प्लेन का एटीसी से संपर्क टूटा था उस समय प्लेन एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था। तो दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस दिन प्लेन उड़ते उड़ते तूफानी बादलों के बीच में घुस गया था और इस बात का एहसास भी पायलट को तब हुआ जब वो तूफान के अंदर काफी गहराई में घुस चुके थे, जिस वजह से खराब मौसम और रात के अंधेरे के कारण प्लेन को वापस लाना भी लगभग असंभव हो चुका था। इसके अलावा प्लेन इस समय इतनी ऊंचाई पर था कि वहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू रहा था, जिसके कारण अचानक से ही प्लेन पर प्रकृति की मार तेज होती गई और स्थितियां बद से बदतर होती चली गई। अब वैसे तो उस प्लेन में कहने को तो 3 पायलट थे, लेकिन उनमें से भी सबसे अनुभवी पायलट मार्क डुबोइस भी उस वक्त आराम करने गए हुए थे, क्योंकि ये फ्लाइट करीबन 13 घंटों की होने वाली थी और एयर फ्रांस के रूल्स के अकॉर्डिंग एक पायलट कंटिन्यू 10 घंटों से ज्यादा किसी भी प्लेन को उड़ा नहीं सकता था। इसी वजह से इस यात्रा में 3 पायलट अपॉइंट किए गए थे ताकि समय समय पर एक एक पायलट रेस्ट कर सके। लेकिन अगर बाकी बचे दोनों पायलट्स की बात करें तो अनुभव के मामले में तो वो अभी नए नए पायलट बने ही थे और उनके पास इस प्रकार की किसी भी गंभीर स्थिति का कोई भी अनुभव नहीं था,
जिसके कारण वो और भी तीव्रता से बेचैन हो गई और जल्दबाजी और डर के साए में परिस्थितियों को संभाल ही नहीं पाई। अब सामान्य हालत में तो प्लेन के ऑटो पायलट मोड में इस प्रकार के फीचर्स होते हैं कि वो भरे तूफान में भी किसी इंसान की छेड़छाड़ के बिना ही जहाज को मुसीबतों से बाहर निकाल दे, लेकिन शायद नियति उस दिन उनकी सहायता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तापमान में इतनी गिरावट होने के कारण ऑटो पायलट मोड भी इस कंडीशन में किसी काम का नहीं रहा और उल्टा ऑटो पायलट मोड को ऐसी स्थिति में यूज करना मौत को सामने से निमंत्रण देने जैसा था। हालांकि एक बार तो दोनों पायलट ने ऑटो पायलट मोड को यूज करने की सोची भी थी और शायद वो कुछ हद तक काम भी कर जाता, लेकिन बाहर लगातार हो रही बर्फबारी के कारण प्लेन के सेंसर भी फ्रीज होने लगे थे और इसी वजह से प्लेन के ऑटो पायलट को बाहर की जानकारी जैसे वेदर रिपोर्ट, एल्टीट्यूड और प्लेन की नोज की पोजीशन वगैरह मिलनी बंद हो गई थी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि प्लेन के ऑटो पायलट मोड ने अंततः पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे प्लेन भी अब बाईं तरफ झुकने लगा था और ये देखकर प्लेन के को पायलट ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और प्लेन को सीधा रखने के लिए उसकी स्टीयरिंग व्हील, जिसे योक कहा जाता है, उसे दाहिनी ओर खींचने लगा। ऐसा करने के कारण प्लेन कभी दाईं ओर झुकने लगा तो कभी बाईं ओर, जिस वजह से वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी प्लेन को सही स्थिति में रखने में नाकामयाब हो रहा था। प्लेन लगभग 3 से 4 मिनट तक इसी तरह हवा में हिलता डुलता रहा, लेकिन तभी को पायलट ने योक को पीछे की तरफ खींचकर इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसके ऐसा करते ही प्लेन का नोज ऊंचा होने लगा और उसके साथ ही प्लेन का एल्टीट्यूड और अधिक तेजी से बढ़ने लगा। एक तो प्लेन पहले से ही जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा था और ऊपर से योक के पीछे होने के बाद तो जैसे इसकी ऊंचाई का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। प्लेन का नोज ऊपर होने के कारण उसके विंग्स को लिफ्ट नहीं मिल पा रही थी। उधर बर्फीली हवाएं भी लगातार प्लेन से टकरा रही थी, जिस कारण प्लेन की गति अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक इसी बीच जहाज के अंदर कई सारे सायरन एक साथ बज उठे। जांच करने पर पता चला कि समय प्लेन के अंदर वो अलार्म बज रहा था जो बताता है कि प्लेन आसमान में जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है। अचानक बजे इस अलार्म को सुनते ही कैप्टन मार्क की नींद भी खुल गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा तो जहाज का बंटाधार हो चुका था। प्लेन को नियंत्रण खोते देख मार्क ने तत्काल प्लेन की कमान अपने हाथों में ली। उन्होंने सबसे पहले तो प्लेन की स्टिक को आगे करने की कोशिश की, जिससे कि उसका नोज कंट्रोल में आ सके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरी सीट पर बैठे को पायलट ने तो अभी भी साइड स्टिक को पीछे खींच कर रखा था, लेकिन हड़बड़ी में उस तरफ किसी का भी ध्यान गया ही नहीं। इस तरह ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन मिलने से प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया और सही निर्णय नहीं ले पाया, जिसकी वजह से प्लेन का नोज जरा सा भी नीचे नहीं आ पा रहा था। हर सेकंड के साथ धीरे धीरे प्लेन की गति भी कम होती जा रही थी और फाइनली वो पल भी आ गया जब दोनों पायलट के हाथों से प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से जा चुका था। प्लेन रुकते रुकते मानो आसमान में पत्थर सा जम गया और धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगा। इस अनहोनी के बीच तब जाकर अचानक से उसी समय को पायलट को यह एहसास हुआ कि उसने साइड स्टिक को गलत दिशा में खींच रखा था, लेकिन अफसोस जब तक उसे यह एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब वो प्लेन एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गया था जिसमें ना तो वो उड़ पा रहा था और ना ही वो ग्लाइड कर पा रहा था, बल्कि इसके विपरीत वो जहाज बहुत ही तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था। इसी बीच ग्राउंड प्रॉक्सिमिटिंग अलार्म के रूप में मौत की घंटी जोर जोर से बजने लगी। आपको बता दें कि अलार्म उस समय बजता है जब प्लेन धरती से बहुत नजदीक होता है। ये वो पल था जब सभी की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। तीनों पायलट अपने साथ साथ सभी 216 यात्रियों और स्टाफ मेंबर्स को मौत की ओर बढ़ता हुआ देख रहे थे। इस समय सब बस किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अफसोस इस बार ईश्वर द्वारा कोई भी चमत्कार नहीं किया गया और अंततः फ्लाइट 447 समुद्र के अंदर तेजी से टकरा गई और इसी के साथ सैकड़ों जिंदगियों का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जरा सोचिए, अगर यहाँ उस को पायलट को थोड़ा सा भी अनुभव होता तो शायद आज उन 228 लोगों की जान बच जाती, लेकिन फ्लाइट स्टाफ द्वारा की गई एक छोटी सी गलती के कारण आज इतने लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस दुर्घटना के लिए असल में कौन जिम्मेदार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।